देखिए, शेफिली मेंटेन्ड मोहल्ला क्लिनिक। अरे भाई साहब, ये मोहल्ला क्लिनिक खुलता है क्या? बहुत कम खुलता है, बहुत ही कम। आपने एक वीडियो जरूर देखी होगी कि दिल्ली के संगम विहार के मोहल्ला क्लिनिक की जो है हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो बंद रहता है। तो यही सच्चाई जानने के आज हम जो है संगम विहार में खड़े हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक में आप कभी गई हैं? हाँ, आज गई थी मैं। हाँ जी, कैसा है माहौल? कैसा? एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा से करते हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा है मैम लोगों का। ये मोहल्ला क्लिनिक आप आती हैं तो ये बंद रहता है या खुला रहता है? ये तो खुला रहता है हमेशा, 10 बजे से हमारी 2 बजे गाड़ी जाती है, 2 ही बजे बंद। मोहल्ला क्लिनिक में गई थी आप? हाँ, जाते अभी गई थी, मेरी फ्रेंड के साथ में गई। कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी साफ सफाई थी, अच्छा है। प्रूफ है ये कि ये आज ही जो ये मेडिसिन लेकर आई है। तो यहाँ पर देखिए कितना लोगों ने जो है वो गंदा कर रखा है यहाँ पे, शौच कर करके। साफ सफाई तो तुम देख रहे हो, बहुत गंदी बदबू आती है, साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना कूड़ा देख कर कैसा लगता है? बहुत कूड़ा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्मचारी आते हैं, साइन करके चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते, कोई कूड़ा नहीं उठाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और आपने एक वीडियो जरूर देखी होगी कि दिल्ली के संगम विहार के मोहल्ला क्लिनिक की जो है हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो बंद रहता है हमेशा, अक्सर जो है बंद रहता है। तो यही सच्चाई जानने के लिए आज हम जो है संगम विहार में खड़े हैं और हम वही जगह पर खड़े हैं जो वीडियो में दिखाया जाता है कि ये मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बंद है। आप ये देखिए, ये रहा मोहल्ला क्लिनिक। लेकिन क्या आपको पता है, सच्चाई ये है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं है। जी हाँ, ये मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बंद नहीं है, वो एक झूठी वीडियो। आप देखिए, गेट खुला हुआ है मोहल्ला क्लिनिक का, अंदर हम गए थे, हमने अंदर के डॉक्टर से बात भी करी है और उन्होंने ये तक बोला है कि मोहल्ला क्लिनिक जो है ये बंद नहीं रहता, अगर बंद होता है तो हम इन्फॉर्म कर देते या कोई नोटिस वगैरह हम लगा देते, विदाउट नोटिस लगाए हम बंद नहीं करते, और अगर हम बंद कर भी रहे तो ऊपर अधिकारियों को पता होता है, हमें भी ज़रूरत होती है छुट्टियों की, तभी हम बंद करते हैं। अदरवाइज ये मोहल्ला क्लिनिक जो है मंडे टू सैटरडे चालू रहता है, सिर्फ संडे को जो है बंद रहता है। और दवाइयाँ भी अंदर पूरी थी, लोग भी यहाँ पर जो है आ रहे, इलाज करवा रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि मोहल्ला क्लिनिक तो है और सही से ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यहाँ के आसपास की स्थिति आप देखेंगे तो वो आपको लगेगा कि हाँ सच में ये खराब है। क्योंकि आप देखें, ये भी दिखाया जाता है कि मोहल्ला क्लिनिक के पास के जो एरिया है वहाँ पर पूरा कूड़ा है। ये सच है कि यहाँ पर पूरा कूड़ा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, यहाँ पे मेट्रो लाइन बिछ रही है, तो इसलिए भी जो है यहाँ पर गड्ढे वगैरह खोद दिए गए, गड्ढे खोद के वैसे छोड़ दिए गए, बाकी काम जो है यहाँ पर होता रह रहा है। तो कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मीरा। अच्छा, ये मोहल्ला क्लिनिक में आप कभी गई हैं? इधर तो हम नहीं आए बिट्टी, हम तो इधर रह रहे हैं, 6 नंबर गली। इस मोहल्ला क्लिनिक में आप कभी नहीं आई? अच्छा, यहाँ पर जब इतना कूड़ा देख कर कैसा लगता है आपको? बहुत बुरा। हाँ, यहीं पर ज्यादा कूड़ा है। हाँ, बहुत गंदगी। अब तब भी सही है कुछ, जब से ये मट्टी पर रही है, नहीं तो बहुत गंदगी है। बहुत गंदगी। हाँ। कब से ये गंदगी? ये गंदगी है 2019 से। और क्या, बल्कि 18 से, हमारा यहाँ 4-5 साल से, तब से यहाँ ऐसी गंदगी देख रहे हैं। हाँ, इससे भी ज्यादा गंदगी देख रहे हैं। अभी कम है लेकिन। हाँ, लेकिन अभी ये 2-3 महीने से थोड़ा सही हुआ है। वैसे बहुत गंदगी है। हाँ, बहुत गंदगी। क्या क्या परेशानी होती है यहाँ? तो पानी बहुत भरता है इस रोड पे, तो निकलने में, बच्चों को ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। ये मोहल्ला क्लिनिक आप आती हैं तो ये बंद रहता है या खुला रहता है? नहीं, ये तो खुला रहता है हमेशा, 10 बजे से हमारी 2 बजे गाड़ी आती है, 2 ही बजे बंद होता है क्लिनिक। हाँ, खुला रहता है। हाँ। तो आपने देखा कि यहाँ पर समस्या जो है वो असल समस्या कूड़े की है, मोहल्ला क्लिनिक जो है वो चालू रहता है, तो उस तरीके से आप कह सकते हैं कि वो फेक वीडियो है। क्या नाम है आपका? रिंकू। अच्छा, ये मोहल्ला क्लिनिक में आप कभी गई हैं? हाँ, आज गई थी मैं। आज गई थी। हाँ जी। कैसा है माहौल? कैसा है? एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा से करते हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा है मैम लोगों का। मैं आज ही तो मेडिसिन लेके आई हूँ अभी। नहीं, एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर फैल रही है कि ये मोहल्ला क्लिनिक बंद रहता है। नहीं, बराबर हम तो डेली बच्चे लेने आते, हमेशा खुला रहता है, ये तो ये गलत बात है। हाँ, नहीं नहीं, हमेशा खुला रहता है। अंदर में दवाइयाँ हैं? बिल्कुल, दवाई भी है, साफ सुथरा सही है। आज ही मैं देखो आपको दिखाती हूँ, मैं अभी मेडिसिन लेके आई हूँ, मुझे हमेशा गैस वैस पेट वेट की दर्द होती है, तो मैं लेके आई हूँ अभी। प्रूफ है ये कि ये आज ही जो ये मेडिसिन लेकर आई है, अभी जस्ट लेके अभी आके ही बैठे हैं, क्योंकि हम तो डेली बच्चे लेने आते हैं ना, तो खुली रहती है मैम हमेशा। संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक जो है वो खुला रहता है, लेकिन वहाँ की जो गंदगी है, ये आपकी एक मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो गंदगी है, ये बहुत गंदगी है, वो आप क्या कर सकते हैं?
यही बात है हमारी सरकार से यही है कि ये थोड़ी गंदगी साफ सुथरा करवा दे, क्योंकि हम वहाँ अंदर में मरीज है कैसे क्या आते हैं, फिर बाहर निकलते हैं फिर वापस वही जम्स कीटाणु। हाँ यही बात है और कुछ नहीं। क्या नाम है आप? अनीता नाम। ओला क्लिनिक में गई थी आप? हाँ जाते अभी गई थी, मेरी फ्रेंड के साथ में गई थी। कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी साफ सफाई भी अच्छा है। केजरीवाल सही कर रहे हैं? हाँ ठीक कर रहे हैं। साफ सफाई? साफ सफाई तो तुम देख रहे हो, हमारे घर से बहुत गंदा हो रखा है, बहुत बदबू आती है, बहुत गंदी बदबू आती है, साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है इधर यहाँ पे। नहीं अच्छा कब से इतनी गंदगी देख रही है? मैं तो जब से आ रही हूँ 6 साल से आ रही हूँ, 6 साल से यही है, रहती है यहाँ पे, बहुत बदबू भी आती है, बहुत ज्यादा बदबू आती है, बैठना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, ऐसे ही पड़े रहता है, सो चले जाते हैं, शराबी पी कर बोतल छोड़ दिया निकल गए। ये एरिया भी काफी ज्यादा नशेड़ी वाला है। हाँ हाँ यहाँ पे ना जैसे हम आते हैं ना काफी टाइम में, यहाँ पे ना दारू वारू की बोतलें हमें यहाँ मिलती है, अब रात को पता नहीं ये क्या करते हैं क्या नहीं, तो हमेशा जो है आपको शराब की बोतलें वगैरह मिलती है? हमेशा हमें मिलती है, क्योंकि हम बच्चे लेने आते हैं ना, तो इस टाइम हमें मिलती है, तो रात को क्या होता है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बोतलें हमेशा मिलती, गंदगी बहुत है यहाँ पर। हमने ये भी देखा कि यहाँ पर जो ज्यादा कूड़ा हो रहा है, जो भी गंदगी वहाँ पे फैल रही है मोहल्ला क्लिनिक के बिल्कुल सामने, उसकी वजह क्या है आप बता दूं मैं आपको, कि जो वॉशरूम है ये बंद है, यहाँ पर जो है ये वॉशरूम हमेशा बंद रहता है, और इसी कारण जो लोग हैं वो वहाँ जाकर जो है खुले में शौच करता है। अब आप सोचिए खुद ही कि एक तरफ जो है वो मोहल्ला क्लिनिक है उसके सामने में ही कूड़ा है, कितने लोग वहाँ से जो है मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज करवाने जाते हैं लेकिन गंदगी अपने साथ लेके जाते हैं, तो ऐसे में जर्म्स का भी फैलना लाजमी है। अच्छा ये कब से बंद है ये? 6 महीने से। हाँ जी। मजबूरी में लोग कहाँ जाते हैं? कहीं भी जाओ ये सामने करो दर्दा है, पार्क खुला पड़ा है, इसलिए जो इतना कूड़ा है यहाँ पर। हाँ जी इसलिए यहाँ पर गंदगी हो रखी है। हाँ जी। कब से है ये गंदगी? ये तो गंदगी करीब हो गए 15-20 दिन होती रहती है, कोई सफाई का 15-20 दिन कोई आगे सफाई आ गया नहीं आया नहीं आया। सफाई कर्मचारी आते हैं? आते ही नहीं, बहुत कम आते थे। सुबह आते हैं साइन लगाई चले जाते हैं। साइन लगाते हैं सिर्फ? हाँ कुछ नहीं करते, रजिस्टर पे काम हो रहा है? हाँ रजिस्टर में काम होता है, खाली फोटो खींचो बस कार्य करते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल हम ठीक यहाँ पर देखिए कितना लोगों ने जो है वो गंदा कर रखा है यहाँ पे शौच कर करके, और सामने ही देखिए आप मोहल्ला क्लिनिक है, आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक, ये जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए कितना गंदगी है, और देखिए अंदर में जो पार्क है उसमें भी कितना सारा कूड़ा जो है वो पड़ा हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्मचारी आते हैं साइन करके चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते, कोई कूड़ा नहीं उठाते, कुछ भी जो है यहाँ पर नहीं होता है। फिर जिस तरीके से देखा संगम विहार में हम आए थे ये जांच कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक सच में बंद रहता है या नहीं, लेकिन हमें सच जो है वो पता चल गया कि मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बंद नहीं रहता, चालू रहता है, ओपन रहता है, संडे ही सिर्फ जो है ऑफ रहता है, बाकी ये 2 बजे तक जो है खुला रहता है, आराम से जो यहाँ के लोग हैं वो आ सकते हैं। लेकिन जो गलत वीडियो बनाई जा रही है कि मोहल्ला क्लिनिक जो है संगम विहार का बंद रहता है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम खुद आए, हमने खुद ये सारी चीज़ें देखी है किस तरीके से यहाँ पर खुला रहता है, बाकी हमने लोगों की भी आपको राय दिखाई कि वो क्या कहते हैं, जो लोग मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं आखिरकार वो क्या कहते हैं कि सच में मोहल्ला क्लिनिक बंद रहता है या नहीं, वो तो हमने दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे समस्या जो है वो कुछ और ही है। समस्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कूड़े की समस्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी रहती है, यहाँ पे शौचालय की समस्या है, क्योंकि शौचालय जो है यहाँ पे काफ़ी टाइम से बंद है। आप देखिए लिखा भी है वहाँ पे SDMC टॉयलेट निःशुल्क शौचालय 100 मीटर आगे है, बिल्कुल 100 मीटर आगे है लेकिन बंद है, बहुत ही खराब स्थिति में है, बंद है, पता नहीं क्यों बंद है, किसने बंद कर रखा है, और मतलब चालू कर दिया था उन्हें पहले, 6 महीने पहले जो है उसे बंद कर दिया गया है। अब ऐसे में लोग जो है वहां पर आप देख सकते हैं वहां पर जाके पार्क के पीछे जो है शौच करते हैं, शौच करके उन्होंने पूरा गंद मचा दिया है वहां पर, और यहाँ पर भी आप देखिए पूरा का पूरा जो है कूड़ा पड़ रहा था। आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो कूड़ा रहता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ऐसी बीच में आप देखिए यहाँ पर भी जो है कितना ज्यादा कूड़ा है, यहाँ पर देखिए ढेर सारा कूड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ केजरीवाल जी जो है मोहल्ला क्लिनिक उनका चकाचक है, बढ़िया से चल रहा है, लेकिन MCD में क्या, MCD कब काम करेगी? क्या MCD इसलिए आई थी कि दिल्ली को और गंदा बनाया जाए, दिल्ली को और कूड़े से भरा जाए, क्योंकि दिल्ली के जगह जगह पर आप देखेंगे कि हालत बद से पहले से बदतर हो गई है, कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है, कोई कर्मचारी जो है काम करने को राजी नहीं है, रजिस्टर पे साइन कर देते हैं, अटेंडेंस लग गई, काम हो गया, काम जो है वो रजिस्टर पे चल रहा है, जमीनी हकीकत हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे और आगे भी दिखाएंगे। इसके साथ देखते रहें झलको दिल्ली, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं सिमरन संगम विहार से।